मन्ना, मन्ना कहाँ है आप? देखो तो मैं क्या बना रही हूँ, जल्दी आओ मन्ना। मन्ना आप यहाँ है और मैं कब से आवाज दे रही हूँ, आपने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? एक मिनट, देखो देखो मैंने एक कोफ्ते बनाए, जल्दी से टेस्ट करके बताओ कि कैसे बने हैं। ये तुमने बनाए? हाँ, आर्यन को बहुत आई मीन टू से उनके घर के लोगों को ये कोफ्ते बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने बनाए। खुशी, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने तुम्हें मना किया था ना वहाँ जाने से? मैं कहाँ जा रही हूँ उनके घर, वो लोग आ रहे हैं यहाँ हमारे घर में। वो यहाँ आए या हम वहाँ चले जाए, बात तो एक ही है। मैंने तुम्हें आर्यन से मिलने के लिए मना किया था ना खुशी, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उससे मिलने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढ ही लेती हो तुम। मन्ना, मुझे आपकी कोई भी बातें समझ में नहीं आती। एक तो आप खुद कहते हो कि हमारे शहर में वो ही रिश्तेदार है, हमें उनसे मिलते जुलते रहना चाहिए, अब आप ही कहती हो कि उनके घर मत जाओ, उनसे मत मिलो। बात को पलटने की कोशिश मत करना खुशी, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया, सिर्फ आर्यन की वजह से। अब ये मत बताना कि मना मैंने उन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया। पहले तुम्हारे मन में ये सब ख्याल नहीं आया, अब अचानक इतनी समझदार कैसे बन गई तुम? आपने मुझे बदलने के लिए कहा था ना, लो मैं बदल गई। अब आपको मुझ में ऐसे बदलाव देखने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसे बदलाव? प्लीज अब आप मुझसे फिर से बदलने के लिए मत कहिए, अब मैं नहीं बदल सकती। मित्रा, तुम तैयार? अरे तुम तो तैयार हो गई। दुर्गा कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है, उसने कहा है कि हम लोग आगे चले जाएं। खुशी का घर हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं है, वो वहीं से पहुंच जाएगी। अच्छा तुम लोग निकलो, श्रद्धा के पास मैं हूँ, और वैसे भी खुशी का फोन आया था तो मैंने बोला था कि तुम लोग 8 बजे तक पहुँच जाओगे। एक तो खुशी ने पहले ही सबको खाने पर बुला लिया और अब अचानक याद आ गया कि श्रद्धा को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद है, बस लेने चली गई। पता नहीं अब कितनी दूर चली गई होगी। बस थोड़ा सा इंतजार और, वो किसी भी पल यहाँ पहुंचते होंगे। आपने जो अच्छा सुना दिया, गुड मॉर्निंग। थैंक यू भाई। दुर्गा अभी तक आई नहीं? जी वो आती ही होगी। गाड़ी की चाबी ले लो। ओह गॉड, आई एम ऑलरेडी लेट। ये क्या है ना कि कभी कभार छोटे छोटे फासले तय करने में बहुत वक्त लग जाता है, और उसमें भी अगर इंसान ट्रैफिक में फंस गया तो गया कहां से। अच्छा खुशी कहां? हाय दुर्गा। अरे हाय रोहन। क्या कोई जरूरी काम था मुझसे? काम? कोई जरूरी काम नहीं है। थोड़ी देर पहले मेरे वॉइसमेल पर मैसेज मिला था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो अर्जेंटली, वैसे मैंने आवाज तो नहीं पहचानी, हो सकता है तुम्हारी असिस्टेंट का फोन हो। मैसेज? कोई है?